नुमेरिकल फाइव वैक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड फाइव पॉइंट फाइव न्यूटन मेक्स टेन डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वैक्टर आर विद मैग्नीट्यूड फोर पॉइंट थ्री मीटर मेक्स एटी डिग्री विद एक्स एक्सिस वाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स गिवन हमारे पास क्या है वैक्टर एफ है फाइव पॉइंट फाइव न्यूटन का जो कि एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस टेन डिग्री तो इसको हम कह देते हैं थीटा क्योंकि वैक्टर एफ F का एंगल है और वेक्टर आर है जो कि 4.3 मीटर की उसकी डायमेंशन है या मैग्नीट्यूड है और वो एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस 80 डिग्री ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ है ये वेक्टर एफ के साथ से एंगल नहीं ले लेना और फाइंड करना है, है हमने डॉट प्रोडक्ट या एफ़ डॉट आर होता है और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है होता है कॉस के थ्रू कास थीटा होता है इसी तरह हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा कि साइन थीटा होता है मैंने इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह याद किया है वह क्रॉस लव सी आर ओ डबल एस आखिर में ऐसा आ रहा है क्रॉस से साइन थीटा क्रॉस से साइन थीटा ठीक है और डॉट जो होता है डॉट के भी तीन अल्फाबेट्स हैं और कॉस के भी तीन अल्फाबेट्स हैं वैसे तो साइन के भी तीन अल्फाबेट हैं लेकिन डॉट और कॉस दोनों के तीन अल्फाबेट्स हैं और बीच में दोनों के ओ आ रहा होता है तो वैसे ये याद करने का तरीक़ा है लेकिन चलें आगे चलते हैं हम लोगों ने थीटा मालूम करना है थीटा क्या होगा थीटा आर जो आर का थीटा है वो कितना है 80 डिग्री माइनस एफ का थीटा। याद रखें जब भी कभी डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपको एक थीटा चाहिए होता है जो दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है तो इसमें आपको देखते ही पता लग रहा है 80 माइनस टेन डिग्री इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री का एंगल है जो थीटा है सोल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एफ की वैल्यू क्या है फाइव पॉइंट फाइव आर की फोर पॉइंट थ्री और कॉस्ट थीटा कॉस्ट 70 डिग्री कॉस्ट सेवेंटी की वैल्यू होगी कैलकुलेटर से किया है पॉइंट थ्री फोर टू इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई एट पॉइंट जीरो एट न्यूटन मीटर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो एट पॉइंट वन मीटर ये आपके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एफ़ की वैल्यू वही 5.5 पॉइंट आर की वैल्यू 4.3 पॉइंट थ्री साइन थीटा लेना है तो साइंस सेवेंटी करेंगे साइन 70 की वैल्यू कैलकुलेटर से की पॉइंट इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आया ट्वेंटी न्यूटन मीटर और इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी न्यूटन मीटर और यही बुक के अंदर आंसर्स हैं स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफज़ाई किया करें बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके